साथियों, जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसकी राह ही उसकी मंजिल है, और आपके सफर को खुशनुमा बनाने और मधुर बनाने के लिए हम आ गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी अनुष्का पंडित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज जिस शख्सियत की याद हम ताज़ा करने वाले हैं, उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार माना जाता है। उनके लिए कहा जाता है कि ऊपर आका और नीचे काका। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की। पर पहले सुनते हैं उन्हीं का ये सुपरहिट गीत, जिसे लेकर आ रहे हैं शेख जाकिर और मेघा गुलाल। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में, रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में, रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। कल नहीं आना मुझे ना बुलाना, कि मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना मुझे ना बुलाना, कि मारेगा ताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना। चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। ओ मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। ओ तूने काजल लगाया दिन में, रात हो गई। हम वक्की डाली पे गाए मत वाली, कोयलिया काली निराली। हम वक्की डाली पे गाए मत वाली, कोयलिया काली निराली। सावन आने का कुछ मतलब होगा, बादल छाने का कोई सबब होगा। रिम झिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। रिम झिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। बॉलीवुड को 70s में सबसे ज्यादा हिट्स देने वाली, लोगों को नया ट्रेंड देने वाली राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। छोटे से राजेश खन्ना को उनके माता पिता ने अपने रिश्तेदारों को सौंप दिया था। इस तरह से राजेश को मिला नया परिवार, जो उन्हें लेके चला गया मुंबई। शायद मुंबई की हवा ही कुछ ऐसी थी कि राजेश बचपन से अभिनय में रुचि रखा करते थे, और यही कारण था कि अपने स्कूल और कॉलेजों में वह हर ड्रामा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे और उसमें अव्वल भी आते थे। ऐसे ही कॉम्पिटिशन में एक जज ने उन्हें कहा कि बरखुदार, आप तो इतनी अच्छी अभिनय करते हैं, आप यहाँ क्यों हैं, आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। बस फिर क्या,
काका ने कहा जो हुक्म मेरे आका। उनके बारे में ये दिलचस्प बातें यूं ही जारी रहेंगी, पर पहले सुनते हैं महेंद्र कुमार गर्ग की आवाज में उन्हीं का ये खूबसूरत गीत। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ ले तो चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ ले तो हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, अरे जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ ले तो दोस्तों 1965 वो साल था जब राजेश खन्ना ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जाने अनजाने पहला कदम लिया था। दरअसल
यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ऑफ फिल्म फेयर ने मिलकर एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रतिभागी आए थे। उनमें से एक थे हम सब के चहेते राजेश खन्ना। उनकी उम्र केवल 23 वर्ष थी तब। बस उन्होंने इस कॉम्पिटिशन में भाग लिया और आ गए नंबर 1। इसके बाद पुरस्कार के रूप में उन्हें मिली 2 फिल्में। इस तरह उनके पहले 2 प्रोड्यूसर्स बने जीपी सिप्पी और नासिर हुसैन। आगे क्या हुआ इस बारे में आगे जानेंगे, पर पहले शेख जाकिर की आवाज में ये खूबसूरत गीत सुनते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल से, दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। साल 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हो चुकी थी। ये फिल्म बहुत खास थी। एक तो ये उनकी पहली फिल्म थी और पहली ही फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई थी। इस फिल्म का असर अभी कुछ कम हुआ भी नहीं था कि उनकी दूसरी फिल्म रिलीज हो गई जिसका नाम था राज। इस फिल्म ने भी कई लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ दी। बस फिर क्या था, राजेश खन्ना का सफर यूं ही शुरू हो पड़ा और उसके बाद उन्होंने दिया एक के बाद बस हिट पे हिट। वैसे ही बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमारा ये अगला सुपरहिट गीत भी है जिसे लेकर आ रहे हैं शेख जाकिर और मेघा गुलाल। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। हाँ ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। भीगी
ऐसा लगता है तुम बनके घटा, अपने सजन को भीगो के खेल खेल रही हो, खेल रही हो। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो, रुत का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो, कैसा लगता है बोलो। ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झोंके सैया, देख रहे हो, हो देख रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक जीने के बाद, सपनों से भी खूबसूरत हकीकत को जीने के बाद, 18 जुलाई 2012 वो दिन था जब राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी अंतिम यात्रा में उनके परिवार के अलावा बड़ी तादाद में दुनिया भर से लोग आए। सबके दिलों में प्यार और आंखों में आंसू थे अपने सुपरस्टार के लिए। उस दिन इस बात का भी पता चला कि राजेश खन्ना एक गंभीर बीमारी का सामना कर रहे थे, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने ये फैसला लिया कि वो उनके साथ रहेंगे और इसमें अक्षय कुमार भी शामिल थे। इनके बारे में यूं बातें जानते रहेंगे, पर पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत जिसे आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेंद्र कुमार गर्ग। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं ओ मगर कैसे तो बार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आँख है या नशे का तोड़ है ये। कहा कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बात नहीं। किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, अरे मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। अगरचे खूब हो तुम मेरे महबूब हो तुम, अगरचे खूब हो तुम मेरे महबूब हो तुम, निगाहें गैर से भी मगर मंसूब हो तुम। किसी शायर से पूछ गजल हो या रुबाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई। हो
दामन में तेरे फूल है कम और काटे है ज्यादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मशीदा सादा, वादा तेरा वादा। तराने जानती है फसाने जानती है, कई दिल तोड़ने के बहाने जानती है, कहीं पे सोज है तू कहीं पे साज है तू, जिसे समझा ना कोई वही एक राज है तू, कभी तू रूठ बैठी कभी तू मुस्कुराई, अरे किसी से की मोहब्बत किसी से बेवफाई, किसी से की मोहब्बत किसी से बेवफाई, उड़ाए होश तोबा तेरी आँखें शराबी, उड़ाए होश तोबा तेरी आँखें शराबी, जमाने में हुई है इन्हीं से हर खराबी, बुलाए छाव कोई पुकारे धूप कोई, तेरा हो रंग कोई तेरा हो रूप कोई हो, कुछ फर्क नहीं नाम तेरा रजिया हो या राधा, वादा तेरा वादा। साथियों, राजेश खन्ना ने सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में और जबरदस्त गाने दिए, तो सिनेमा ने भी राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बना दिया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसी जी जैसे उनकी पहली फिल्म का फेमस डायलॉग है कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। साथियों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसे आपके सामने पेश कर रहे हैं शेख जाकिर। इसी के साथ आपसे फिर होगी अगले अंक में मुलाकात, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरा यानी अनुष्का पंडित का नमस्कार। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, आज का दिन है इतना सुहाना, झूम रहा प्यार मेरा हो, पूरी हो दिल की सारी मुरादें, कुछ रहे यार मेरा हो, चांद सजीवन साथी मुबारक, जीवन में आना दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, अपने भी हैं कुछ ख्वाब अधूरे,
सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी हैं मेरे अपने ओ उसकी खुशी अब मेरी खुशी है ऐ दिल दीवाना दीवाना लेके आया है दिल का तराना दीवाना लेके आया है दिल का तराना।